लेटर? आज तो मेरा लेटर आने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ, आज अम्मी ने लेटर भेजा होगा। ये। अरे क्या हो गया मायरा, रुको रुको, कहाँ जा रही हो तुम? और कहाँ लेटर लेने, आज अम्मी का लेटर आया होगा। इस तरह बाहर मत जाओ, मायरा मेरी बात तो सुनो। गुड़िया, कैसे तलाश कर रही हो तुम? जी जी, मैं यही ढूंढ रही हूँ। जी हाँ, आपका लेटर आया है मुझे। इसमें क्या लिखा है, पढ़ के बताइए ना। अभी पढ़ना है? जी अभी। मेरी प्यारी बेटी, अभी अफ्रीका में हूँ मैं। तुम्हें अंदाजा नहीं होगा कि मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। यहाँ जो बच्चे हैं उनकी हालत वाकई बहुत बुरी है, और मैं जानती हूँ कि उन बच्चों की देखभाल करते करते मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रही। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम समझदार हो और मेरी परेशानी समझ जाओगी। मेरी प्यारी बेटी, मुझे जब भी वक्त मिलता है मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी अम्मी। बस इतना ही लिखा है इसमें? हाँ इतना ही। बाबा, क्या अभी हम उन्हें जवाब दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल मेरी जान, दे सकते हैं। मगर उससे पहले नंगे पांव बाहर निकलने पर जानती हो ना क्या सजा मिलती है? जी जानती हूँ। अच्छा जानती हो? एक दो तीन। मैं हूँ मायरा मॉन्स्टर। और मैं हूँ मायरा का फादर मॉन्स्टर। हम दोनों सबको डराने आए हैं। डराने आ रहा हूँ। किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आया मायरा मॉन्स्टर, भागो। हम बहुत खतरनाक है, हमसे बच के रहो। अम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ये लिखा? हाँ लिख दिया। एक और बात भी लिखनी थी इसमें। अब हम ज्यादा नहीं लिख सकते क्योंकि पेज पूरा भर चुका है। उनसे एक तस्वीर मंगवाते हैं। हमारी इस बारे में बात हो चुकी है ना, तुम्हारी अम्मी वहाँ से तस्वीर नहीं भिजवा सकती। अगर तस्वीर मंगवाई और वो ना भेज सकी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। बाबा अम्मी ना भेजे लेकिन आप लिख तो दें, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ये तो खा लो, न जाने कब ये जिद करना छोड़ेगी। कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो गई है ये लड़की। चलो ठीक है फिर, लिख देता हूँ मैं। ये। चलो शाबाश खाओ। ये लो, लेटर तैयार है। चलो जल्दी से ये नाश्ता खत्म करो, इसके बाद स्कूल के लिए तैयार भी होना। बाबा आज चोटी नहीं बनाऊंगी मैं, अंकल मेरी चोटी ठीक से नहीं बनाते इसलिए मेरे सर में दर्द हो जाता है। अच्छा, मैं तुम्हारी चोटी ठीक से नहीं बनाता? इसका मतलब है कि मैं अच्छी बनाता हूँ, है ना? आप भी अच्छी नहीं बनाते लेकिन सर में दर्द नहीं होता। नाश्ता खत्म करो, ये अब ये भी खा लो। मैंने ड्राइंग क्लास के लिए कलर्स ले लिए हैं। रुको तो जरा, ये भी इसमें रख दिया और ये भी रख देती। मायरा रुक तो जाओ ना, भागे जा रही हो फिर कहोगी कि मैं ठीक नहीं बनाता। देखो कितनी मुश्किल हो रही है मुझे तुम्हारी चोटी बांधने में। और ये नोटबुक भी रख देती हूँ, अब मैं अपना बैग बंद कर देती हूँ। ठीक से नहीं बनी है। हाँ, ठीक नहीं बनी है, और इसकी क्या वजह है? खैर छोड़ें, ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं मेरे बाल। ऐसे ही ठीक है? देखो लड़की, तुम्हारी चोटी बनाने में मुझे कितना वक्त लगा, सब जाया हो गया, मेरी सारी मेहनत जाया कर दी, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं नहीं खाए मत। क्या खाऊं मैं तुम्हें? हाँ नहीं, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, यहाँ आओ मेरे पास, छोड़ूंगा नहीं। बाबा तुम मुझसे बचकर जाओगी कहाँ? अभी पकड़ता हूँ तुम्हें। देखो तुम पकड़ी गई हो तो मैं तुम्हें खा कर ही रहूंगा। अब तुम मेरी कैद में हो, कहाँ जाओगी मुझसे बचकर? अब तो मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगा। देखो मैं खा रहा हूँ। नहीं नहीं बाबा, ऐसे नहीं खाते किसी को। फिर मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा नमक डालकर खाता हूँ। तुम जरा सब्र तो करो। नहीं आप क्या कर रहे हैं बाबा, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। खा भी लिया। बाबा मुझे कुछ बताइए ना अम्मी के बारे में। अभी बताऊंगा तो तुम्हें स्कूल की देर हो जाएगी, शाम में बताता हूँ। मैं कह रही हूँ ना, अभी बताए ना बाबा, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा थोड़ा सा। ठीक है ठीक है।
तुम्हारी अम्मी बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल एक परी की तरह। वो रोज सुबह सवेरे उठती हैं, उनका पसंदीदा रंग सफेद है, उनकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पता है वो सुबह जल्दी उठकर क्या करती हैं? वो सबसे पहले अपनी स्लीपर्स पहनती हैं, क्योंकि जमीन पर नंगे पांव चलना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सुबह जल्दी उठती है ना, तो फिर दिन भर सोती रहती हैं। वो किताबें पढ़ते पढ़ते सो जाती हैं। अक्सर जब मैं ऑफिस से जल्दी घर आता हूँ तो वो बिस्तर पर सो रही होती हैं। बिल्कुल मेरी तरह ही। हाँ मेरी जान, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह सोती हैं। तुम्हारी अम्मी को फूल भी पसंद है, उनसे फूलों की खुशबू आती है। उन्हें कॉफी पीना भी पसंद है ना बाबा? हाँ उन्हें कॉफी पीना भी पसंद है, वो दिन भर कॉफी पीती रहती हैं। तुम्हारी अम्मी की भी ऐसी ही बड़ी बड़ी आंखें हैं और ऐसे ही लंबे लंबे बाल भी हैं, और जब वो बिस्तर पर लेटती हैं तो उनके बाल पूरे बिस्तर पर फैल जाते हैं। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोनापा। ओह आपा, आज तो बहुत ही अच्छा नाश्ता बना। जान गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग, लाई मुझे दे बाबा। अरे बेटा रहने दो, मैंने बना ली है। बात सुनो, रिफत अभी तक उठा नहीं। उठ गया, उठ गया, लेकिन बहुत भूखा हूँ। नई बात क्या है, हमेशा ही भूखा होता है। देखा बाबा, इसने भी अब मुझे बातें सुनाना शुरू कर दी है। आपा इस सब के लिए काफी है, अब तुम मत शुरू करो। बात सुनो, मेरी बेटियों से जरा बच के रहना, समझ गए? बाबा आप जब इनकी हिमायत करते हैं ना, तो मैं बहुत अकेला हो जाता हूँ। अल्लाह अल्लाह, वाह भाई वाह। तो क्या किया जाए अब लड़कियों, क्या हमें इसकी बात का बुरा मानना चाहिए? हाँ दुनिया की मशहूर डिश में लेके आ गई हूँ, इसे बिल्कुल भी हाथ मत लगाना। ये क्या, इसे हाथ लगाए बगैर कैसे खा सकता हूँ आपा? पहले तस्वीर तो खींच लूँ मैं। वाह, अब ये सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगी पहले? बात सुने, मैं आपकी इस आदत से उकता चुका हूँ, जल्दी करें ना, भूख लगी है मुझे। ठीक है बेटा, जरा सबर करो, एक मिनट की बात। ठीक है, बस आखिरी है। अच्छी है। चलो भाई बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करो। एक मिनट एक मिनट, उबले हुए अंडे कहाँ है मेरे? ये इतना मजे का बना है, इसे क्यों नहीं खाते हो? अब इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैं दिखती हूँ। इसे ज्यादा क्यों बिगाड़ी हो? हाँ इसे घड़ी का सेल बदलने को बोला था, वो तो नहीं किया इसने। हर वक्त देखो सोता रहता है। देखें आपा, आप इस तरह मुझसे बात मत करें, वरना आपको अपने इंटरनेट से हाथ धोना पड़ सकता है। हाँ तो मैं कर सकते हूँ। हाँ। अवन में अंडे रख दिए हैं, 3 से 5 मिनट में निकाल लेना।
अरे बेटा उसे रहने दो, मैं बाद में देख लूंगा, तुम नाश्ता कर लो, इतना कोई अर्जेंट नहीं है वो। अरे बस बाबा हो गया, ये तो छोटा सा काम है। देखो जरा उसे और कुछ शर्म करो। इसकी काम तुम क्यों करती हो सोना? अरे कोई बात नहीं बाबा, ये इस तरह ही क्यों बात करती है? चलो आपा जल्दी करो, हमें जल्दी निकलना है, बुर्जू को भी लेना है। अरे तुम नाश्ता तो कर लो, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? एक सरप्राइज है बाबा, अगर सब ठीक रहा तो शाम में आके आपको सब बता दूंगी, बेफिक्र रहे। अरे अब चले भी आपा, हमें देर हो रही है, खुदा अच्छा ठीक है। बाबा आपकी बेटियाँ कुछ न कुछ कर रही है, नजर रखे इन पर आप। सानिया मुझे सच में नहीं पता बाबा। वैसे ये कैसा सरप्राइज है, बताएं बताएं जरा, मुझे भी बताएं। भाई मुझे भी वाकई नहीं पता, सरप्राइज सरप्राइज कहे जा रही है वो। अच्छा खैर छोड़ो इसे, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी, तुम जाओ। बाय बाय बाबा। खुदा। अरे हाँ बुर्जू को मेरा सलाम जरूर कहना। हाँ ठीक है कह दूंगी, रिफत भाई ने सलाम कहा है। भाई कहने की जरूरत नहीं, उसे बस मेरा सलाम कहना। बाबा क्या आप मुझे नमक उठा कर देंगे? चले मैं खुद ले लेता हूँ। आप जल्दी आए, हम लेट हो रहे हैं। हाँ। हाँ, हाँ। आ गई मेरी जान। हाँ। सोना कम से कम मुझे तो बता दो कि वो सरप्राइज क्या है। बिल्कुल नहीं आपा, ऐसे कैसे मैं आपका सरप्राइज खराब कर दूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। सारे काम अधूरे पड़े हुए और मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। और फिर हम वहाँ से जिमनास्टिक क्लास भी जाएंगे। ठीक है पर ज्यादा भाग दौड़ मत करना। ठीक है बाबा। और पसीना आए तो ठंडा पानी बिल्कुल मत पीना। अच्छा ठीक है। ज्यादा शरारत मत करना नन्ही परी, समझी तुम? जी समझ गई। तो फिर ठीक है, चलो जाओ। निजात साहब। गुड मॉर्निंग। अगर आपके पास वक्त है तो क्या हम बात कर सकते हैं मायरा के बारे में? जरूर। मायरा ने फिर से कुछ किया है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आजकल तो मायरा का रवैया काफी अच्छा है सबसे। वाकई में? जहाँ तक मुझे याद है कि मायरा की बर्थडे नजदीक। हाँ 3 दिन बाद उसका बर्थडे है। क्या उसका बर्थडे खास बनाने के लिए आपने कुछ सोचा है? मेरा मतलब अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर सकती हूँ। नहीं कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, स्कूल में बाकी बच्चों की जिस तरह सालगिरह मनाई जाती है वैसे ही कीजिएगा। मैं ये बात जानती हूँ कि मायरा के लिए उसका बर्थडे बहुत अहम होता है। मैंने सुना है कि उसकी अम्मी आइलैंड साहिब आ रही हैं। मायरा उनके आने का सुनकर बहुत खुश है। क्या कहा आपने? मैंने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की थी कि मायरा के सामने उसकी मॉम की बात ना की जाए, वो कंफ्यूज हो जाती है, कौन कर रहा है इस तरह की फजूल बातें। मायरा से ही सुना है हमने निजात साहब, उसने खुद ही सबको बताया है कि मेरी अम्मी आने वाली हैं, तो हमें लगा आपको पता होगा इस बारे में। ठीक है परेशान मत हो, मैं मायरा से बात करता हूँ। स्पोर्ट्स क्लास कितनी अच्छी है ना मायरा। हाँ यार बाबा। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं बेटा? आपको क्या बात करनी है मुझसे? मैंने कुछ नहीं किया है बाबा, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे दोस्तों से पूछ सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुझे पता है बेटा तुमने कुछ गलत नहीं किया, मुझे तुमसे किसी और बारे में बात करनी है। क्या तुमने अपनी टीचर से कहा कि तुम्हारी बर्थडे पे तुम्हारी मॉम आने वाली है? जी जी वो आएंगी। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है बेटा कि वो आएंगी? देखो तुम्हारी अम्मी तुम्हें पाबंदी से लेटर भेजती है ना, क्योंकि वो अफ्रीका से आसानी से वापस नहीं आ सकती। मैंने तुम्हें बताया था ना कि अफ्रीका यहाँ से कितना दूर है। अम्मी जरूर आएंगी और वो अपना वादा कभी नहीं भूल सकती। हाँ बिल्कुल बेटा जानता हूँ वो नहीं भूलती, लेकिन उन्होंने तुमसे वादा भी तो नहीं किया। देखो बेटा तुम जानती हो ना मैं तुम पर गुस्सा नहीं करता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने टीचर से ऐसा क्यों कहा। पिछले साल अम्मी ने कहा था कि वो अगली बर्थडे पर वो मेरे साथ होंगी जब मैं 6 साल की हो जाऊंगी, और अब मैं इस महीने 6 साल की हो जाऊंगी, तो क्या पता वो आ जाए मेरी बर्थडे पर। मुझे नहीं मनाना अपना बर्थडे। मेरी जान तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे आपके साथ नहीं मनाना अपना बर्थडे। अच्छा मेरी बात तो सुनो जरा। दूर हो जाइए मुझसे। मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ तुम जानती हो ना बेटा। ये बिल्कुल भी सच नहीं है बाबा, और अगर आप मुझसे प्यार करते तो आप इस तरह मुझे उदास नहीं करते। सॉरी बेटा माफ कर दो मुझे। तो बताओ क्या चाहती हो तुम? हाँ क्यों ना तुम, मैं और हैरी अंकल तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम खाने चलें। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस मेरी अम्मी की जरूरत है, और आप मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरी प्यारी बेटी,
मैं तुम्हारी बर्थडे पर नहीं आ पाई, लेकिन उम्मीद है तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया होगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारी नेक्स्ट बर्थडे पर तुम्हारे साथ होंगी, मगर तुम अपनी इस बर्थडे पर खूब मजे करना, खूब खाना पीना। तुम्हारी छठी सालगिरह पर हम लोग जरूर मिलेंगे और खूब मजे करेंगे। तुम्हारी अम्मी। बाबा आपको याद नहीं है ना? नहीं बेटा, मुझे बिल्कुल याद है, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने दोबारा जिक्र नहीं किया कि वो आएंगी। अगर वो नहीं भी आई तो इसके लिए हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो भूल गई हो ये बात। वो ये बात कभी नहीं भूलेंगी। आप अभी तक नहीं समझे ना? क्या नहीं समझा मैं? यही कि अम्मी हमें सरप्राइज देंगी। चलो आ जाओ। यहाँ पर मेरे मसाज का बंदोबस्त करवाओ ना सोना, प्लीज। मेरे कंधे पे बहुत दर्द हो रहा है। मैं कैसे करूंगी आपा, आप तो जानती हैं वो डायन हमेशा हमारे सर पे रहती है। देखो चुड़ैल हमारी तरफ ही आ रही है। देखा ना, आ गई है। ओ सोना साहिबा, छुट्टियों के दिनों में भी आप यहाँ नजर आ रही हैं। क्या हम लोग आपको इतना याद आते हैं? असल में मैं किसी काम से आई हूँ यहाँ। कोई जरूरी काम होगा, वरना यहाँ आकर काम करने का तुम्हारा दिल कहाँ करता है। आ गई मैं। शाम को टाइम पर काम पर आ जाना, इस जगह से तुम्हारी तमाम जरूरतें पूरी होती हैं, तो अपनी भी जिम्मेदारी को समझो। हमको काम पे टाइम पे आ जाना, इसका तो होलिया बिगाड़ के रख देती अगर तुम लोग काम नहीं करते यहाँ पर। एक बात बताओ, तुम इतनी देर से कॉल्स करी लेकिन तुम्हारा नंबर बिजी जा रहा है बुर्जू। 8 माह से मैं अपने दोस्त से नहीं मिली हूँ, क्या आप उससे फोन पे भी बात ना करूँ मैं? अच्छा चलो ठीक है, चलो अब जल्दी करो, गाड़ी पार्किंग लॉट में। अच्छा आ जाओ अब जल्दी से। बात सुनो मेरी, इसने कुछ बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं? इतना तंग करोगी अब बता भी दो ना, यहाँ पे क्या लेने आए हम लोग बताओ ना। थोड़ा सब्र रखो, अभी बताती हूँ। हाँ बस आ गए हम, यहाँ साइड पे रोक दो। क्या वहाँ? हाँ हाँ बस यही साइड पे, जल्दी करो चलो आ जाओ। सरप्राइज, ये है हमारी नई बेकरी। क्या वाकई? तुम्हारा मतलब है कि ये दुकान होगी हमारी? हाँ हाँ हाँ। मैं वाकई में समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है। कैसा सरप्राइज, कुछ तो बताओ मुझे। अरे बुर्जू मेरे अम्मी बाबा यही मिले थे। रुको एक मिनट, देखो बाबा ने यहाँ पे अपनी तस्वीर भी ली थी। तुम वाकई में बहुत कमाल हो, लेकिन ये तो बताओ ये जगह ढूंढी कैसे तुमने? रुको तो एक मिनट, सब बताती हूँ। वो आने ही वाली होंगी। हेलो, कैसी हैं आप? हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आप चाबियां ले आई? सोना साहब, बात दरअसल ये है कि इस जगह की जो मालकान है वो असल में दो बहनें हैं। मुझे काफी वक्त लगा उन तक पहुंचने में, क्योंकि वो जर्मनी में रहती हैं। हाँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि वो अपनी ये शॉप नहीं बेचना चाहती। क्या? लेकिन मैं तो एडवांस साथ लाई हूँ, आपने तो कहा था आप उन्हें मना लेंगी। सोना, किस एडवांस की बात कर रही हो? देखो ये जगह तो पूरी तरह बर्बाद हो गई। ये सच कह रही है सोना, और अंदर पता नहीं क्या हालत होगी इस जगह की। मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। देखिए आप प्लीज दोबारा बात करके देखें, ये जगह मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि यहीं पर ही पहली बार मेरे अम्मी बाबा मिले थे। इस शॉप से मेरी अम्मी की यादें जुड़ी हैं, आप तो समझ सकते हैं मेरे लिए कितनी अहमियत रखती है। प्लीज। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मगर आप ज्यादा उम्मीदें मत लगाइएगा। हाँ प्लीज कोशिश करें। खुदा हाफिज़। मेरी प्यारी बहन, हमारी फैमिली में सबसे जहीन हो तुम, लेकिन ये बेवकूफ़ी होगी। आपा प्लीज ऐसे मत कहो, इस जगह की अगर एक बार मुरम्मत हो जाएगी तो ये फिर से नहीं लगने लगेगी, बस इसे पेंट करना होगा और ये मैं कर सकती हूँ। अरे हम जानते हैं तुम कुछ भी कर सकती हो सोना, बिल्कुल कर सकती हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो अभी से ये सोच रही हूँ कि जब बाबा इस जगह को देखेंगे तो उनके क्या तासरात होंगे, देखना चाहती हूँ मैं। सही कहा ना मैंने? बात सुनो, एक काम करते हैं, उसे ये पहनाओ।
वाह क्या बात है। हेलो हांदी साहिबा। हाँ दिखाओ। ठीक है बस मैं अभी आई। बात सुनो, आकर मेरी मदद करो। जी ठीक है। इसे क्रिएटिव डिपार्टमेंट में ले जाओ तुम। आयशा, हांदी साहिबा तुम्हें बुला रही है। मुझे क्यों बुला रही है वो? खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग निजात साहब। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग निजात साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हांदी साहिबा, निजात साहब आ चुके हैं और आयशा को साथ ले आई हूँ। ओके, तुम जा सकती हो। मेरे ख्याल से निजात के साथ काम करते हुए तुम्हें एक महीना हो चुका है। जी हांदी साहिबा, दो दिन के बाद पूरा एक महीना हो जाएगा। क्या कहा था तुम्हें? आपने कहा था कि... क्या नहीं कहा था कि जो कुछ भी हो तुम आकर मुझे इतला दोगी? निजात साहब सब कुछ अकेले नहीं कर सकते, ये समझाया था मैंने तुम्हें। तुम खुद बताओ, ये बात नहीं हुई थी? जी हुई थी, माफ कीजिएगा हांदी साहिबा, मगर ऐसी कोई खास बात हुई ही नहीं। छोड़ो इस बात को, कल की मीटिंग के बारे में जानना चाहती हूँ मैं। कल की मीटिंग बहुत अच्छी रही हांदी साहिबा, मिराल साहिबा को निजात साहब की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी, लगता है ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाएगा। मीटिंग के बाद क्या हुआ था ये जानना है। बात क्या हुई उनकी, कहीं डिनर के लिए गए थे? नहीं, निजात साहब घर चले गए थे। तो ऐसी बात है, मिराल ने क्या किया फिर, वो उनके साथ नहीं गई? नहीं, वो तो पहले ही चली गई थी वहां से। खुद को स्मार्ट समझती है, किसी को नहीं पता उसके जहन में क्या चल रहा होता है। निजात साहब क्या यकीनन अपने घर ही गए थे? जी हाँ। बात तो ये है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो जैसा कहूँ वैसा करना होगा। जी बिल्कुल। ठीक है फिर, तुम जा सकती हो अब। आयशा, क्यों बुलाया था? निजात साहब के बारे में पूछ रही थी, कुछ जाती सवालात कर रही थी, उन्हें लगता है जैसे मुझे कुछ पता नहीं है। वो ये जानना चाह रही थी कि कल निजात साहब अकेले थे या कोई साथ था उनके। तो कोई साथ था? बिल्कुल नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, इस किस्म के इंसान बिल्कुल नहीं है। चलो छोड़ो इस बात को, सुनो, जैसा हांदी साहिबा ने कहा है तुम वैसा ही करो, वरना तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगी। क्या सच में ऐसा है? हाँ ऐसा ही है, जो तुम्हें कहा गया है तुम्हें वो करना होगा। हाथ पांव भूल गए थे मेरे, ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अदालत में खड़ी हूँ और सवाल पे सवाल हो रहे हैं। निजात, तुम कब आए? अभी आया हूँ। शूटिंग कैसी चल रही है? गुड, सरकान देख रहा है सब। गुड। इस वक्त तुम काम के बारे में सोच रहे हो या फिर मायरा की बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में? हाँ बिल्कुल वही सोच रहा था। निजात, आखिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं सारी तैयारियां संभाल लूंगी ना। शुक्रिया, मगर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, दरअसल मसला कुछ और है, लेकिन खैर संभाल लूंगा मैं, डोंट वरी। ये सब कुछ तुम अकेले कैसे हैंडल करोगे? तुम्हें एहसास है ना कि मायरा को एक माँ की जरूरत है? कोई औरत अगर उसके साथ रहेगी और उसे संभालेगी तो तुम्हारी परेशानी थोड़ी कम होगी। तुम बस मेरी इस बात पर गौर करना, तुम्हें खुद को मजबूत बनाना है सिर्फ मायरा की खातिर, खुद के लिए भी थोड़ा वक्त निकालो प्लीज। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। तुम कह रहे हो तो ठीक है, तुम जानते हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जानता हूँ। आ जाएं। निजात साहब, सरकान साहब आ गए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, हम आ रहे हैं। नहीं, दूसरा वाला दो। हाँ ये ठीक, जबरदस्त। हेलो गाइस, आप लोग जारी रखें। तो कैसा चल रहा है सारकान? जबरदस्त। मैंने शूट के लिए कुछ लोकेशंस देखी हैं, आप देखना चाहेंगे? देख के बताइए कैसी हैं। क्या मैं नहीं देख सकती हूँ इसे? जरूर आप भी देख सकती हैं, मेरा मतलब वो नहीं था, इसमें कोई मसले की बात नहीं। सॉरी, ये बात कुछ ज्यादा वाज़े नहीं थी। तो कैसी लगी आपको, मेरा मतलब आप दोनों को?
मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक से समझा नहीं सका। कॉफी हाउस से मेरी मुराद थी कि हमारे मुल्क के लोकल कॉफी हाउस। जगह तो बहुत अच्छी है मगर ये जरूरत से ज्यादा पुरासाइश लग रही है। ये कमर्शियल मुल्क से बाहर के लिए बनाया जा रहा है और मैं इस एड में अपने मुल्क की खसूसियात दिखाना चाहता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए हम इन जगहों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हो सकता है थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई हो मेरी वजह से, क्योंकि कमर्शियल आपको थोड़ा जल्दी शूट करना था ना। मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन अगर हमें कोई लोकल कॉफी हाउस नहीं मिला तो फिर हम ये कमर्शियल बिल्कुल भी शूट नहीं करेंगे। अब मुझे जाना होगा, बेस्ट ऑफ लक। हाँ? अगर सही जगह ढूंढने में तुम्हें मुश्किल हो रही है तो मैं मदद कर देती हूँ तुम्हें। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। निजात, ये सब क्या था? हाँ कुछ भी नहीं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो मुझे समझ आया तो मैं क्या कहता। हाँ वो तो ठीक है लेकिन तुम किसी और बात को लेकर परेशान लग रहे हो, क्या मायरा के साथ कोई मसला हुआ है? हाँ ऐसे ही कुछ है। अगर कोई काम नहीं तो चल के बात करें, बाद में बात करते हैं। चलो ठीक है लेकिन तुम अपना ख्याल रखो और मैं यहाँ सब संभाल लूंगा, तुम परेशान मत होना। हाँ। आइलन, पता नहीं ये नंबर तुम्हारे यूज में है या नहीं लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है मायरा के बारे में। अगर मेरा मैसेज मिले तो मुझे कॉल करना। हाय, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये सीट आगे कर देना, दरवाजा नहीं खुल रहा। क्या हुआ बुजू, क्या तुम नहीं आ रही? नहीं मैं रिजान अभी नहीं आ सकती, घर जाके थोड़ा आराम करूंगी, शाम काम पे भी जाना है। हाँ ठीक है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें छुट्टी करनी पड़ी। अरे पागलों वाली बातें मत किया करो, बहुत अच्छा सरप्राइज है, शौकत अंकल देखना बहुत खुश हो जाएंगे और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर तुमने ये शॉप ढूंढी कैसे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है मेरी जान, क्या तुम्हें बाबा का पता नहीं है सोना? जब उन्हें पता चलेगा तो वो बेहद खुश होंगे। हाँ। परेशान मत हो तुम। हाँ समझ गई ना, ख्याल से जाना, बाद में मिलेंगे। वो बुर्जू जी ना? हाँ। कहाँ चली गई वो? इस दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरह कामचोर तो नहीं होता ना भाई, वो काम पर गई है, नौकरी करती है वो। आप बुर्जू के सामने भी इसी तरह बातें करती रहती हैं क्या? ऐसा मत किया करें आपा। क्या हुआ, क्या तुम्हें बहुत बुरा लगा मेरे भाई? कसम से मैं आपका इंटरनेट बंद कर दूंगा आपा, फिर मैं देखता हूँ आप कैसे मशहूर होती हैं। बेटा मुंह चलाने से बेहतर है हाथ चलाओ और ये देकर आओ कस्टमर को। बाबा आप बिना मुझे इस काम पर लगा कर रखते हैं, मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ। हाँ भाई ये ऑर्डर किसका है? खुशामदीद। बहुत शुक्रिया बाबा। तुम लोग थक गए होगे, तुम लोगों के लिए चाय बना देते, बाद में पी लेंगे, कोई जल्दी तो नहीं? आप बैठे बाबा, मैं आपके लिए बना कर। अरे नहीं बेटा बाद में हम साथ पी लेंगे, तुम यहाँ बैठो। हाँ तो मुझे ये बताओ कि सरप्राइज की क्या कहानी है? क्या आप जानना चाहते हैं हम कहाँ गए थे? कहाँ गए थे बाबा? हाँ ये लोग आपसे मिलने आए हैं। जी कहिए। क्या शौकत आपका नाम है? जी मेरा ही नाम है। दरअसल हमारे आने का मकसद यह है कि हम जानना चाहते थे कि इस जगह की वैल्यू क्या होगी। रास्ता दीजिएगा जरा। कॉफी हाउस के लिए? हाँ इसकी वैल्यू लगाने मैं कुछ समझा नहीं। क्या आपको इसका नोटिस नहीं मिला? नहीं हमें कोई भी नोटिस नहीं मिला। इस कॉफी हाउस को आपने गिरवी रखवाया था? अरे नहीं हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं हमसे? आपने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया इसलिए मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा है हम लोगों को।
लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, हमने कोई गिरवी नहीं रखा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। क्या इस पे दस्तखत करेंगे आप? नहीं पापा, इस पे साइन मत कीजिएगा। साइन मत कीजिएगा। शौकत साहब, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अगर आप तआवुन करेंगे तो अच्छा होगा। शायद आप समझ नहीं रहे, ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। बाबा बाबा रुके, बाबा प्लीज ऐसा मत करें, साइन मत कीजिएगा। बाबा एक दफा पढ़ दो, लिखा क्या है। खामोश रहो तुम लोग, इनका कोई कसूर नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। क्या जरूरत है बाबा? बहुत शुक्रिया, आपका काम हो गया और यहाँ से फौरन जा भी रहे हैं। आप लोग यूँ अचानक आ गए, हमें तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, और यहाँ आके गिरवी की बातें करें। मत करें ऐसा, जिससे कर्जा लिया है उससे जाकर बात करें, हमें तंग मत करें। खुदा हाफिज़।